मुंबई में जेलेटिन स्टिक जो कि अंबानी फैमिली के घर के बाहर रखा गया था, वो मामला अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ। जो मेन कल्पिट है अभी भी उसके मास्टरमाइंड के एनआईए तलाश कर ही रही है, लेकिन एक अब नया केस मुंबई में सामने आया है। और कल जो है एटीएस की टीम ने दो ऐसे बड़े अपराधियों को अरेस्ट किया है जो कि मुंबई में सरेआम यूरेनियम सेल कर रहे थे। आपको बता दूं कि यूरेनियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए ये मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एक आदमी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही आसानी से मुंबई में काफ़ी टाइम से सेल किया जा रहा था। और इस चीज़ की जानकारी जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उनके द्वारा एटीएस की टीम को अपने द्वारा उन्होंने एनालिसिस किया था, जिसके बाद उन्होंने एटीएस की टीम को बताया था। उसके बाद एटीएस की टीम लगातार इसमें छानबीन कर रही थी और 14 फरवरी को इस चीज़ के बारे में जो है नागपाड़ा एटीएस की टीम है, वो यूनिट है, उनको इस चीज़ की जानकारी मिली कि जो एक 27 साल का एक जिगर पांड्या नाम का एक आदमी है जिसके पास, जो कि थाने निवासी है, थाने का रहने वाला बंदा था जिगर पांड्या, उसके पास कुछ ऐसे मटेरियल जो है उसके पास पड़े हुए हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने उसके घर पे छापा मारा और उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद उससे लगातार पूछताछ की गई, उसके पास बस थोड़े थोड़े यूरेनियम के कुछ टुकड़े ही पाए गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास जो है यूरेनियम नहीं पाई गई। वो जो है कंटिन्यूसली जो है सेल कर रहा था उस चीज़ का, छोटे छोटे यूरेनियम के टुकड़े को, और ये जो वो सेल कर रहा था वो किसके कहने पर कर रहा था, ये अबू तालिब हुसैन नाम का एक व्यक्ति था जिसके कहने पर ये सारा का सारा सेल किया जा रहा था। जब इस चीज़ का खुलासा पांड्या ने किया तो पांड्या के कहने पर अबू तालिब के घर पे छापा मारा गया और वहाँ से उसको अरेस्ट किया गया। साथ उसको अरेस्ट करने के साथ साथ उसके घर से 7 केजी यूरेनियम की जो यूरेनियम जो उसके घर पे पड़ी हुई थी, जिसको एटीएस की टीम ने अपने कब्जे में लिया। तो कहीं ना कहीं से आप सोच सकते हैं कि अभी जेलेटिन स्टिक कुछ दिन पहले ही जेलेटिन स्टिक का नाम पब्लिक के सामने आया था कि पूरे अंबानी की मतलब एक तरीके से डराने का था या जो भी था उस केस में सचिन वजे का। आप सबको पता है कि सचिन वजे जो है उस केस में अरेस्ट है और कई पुलिस वाले भी उस केस में मतलब इन्वॉल्व थे। उन सारे के सारे लोगों को अरेस्ट करके एनआईए की टीम ने अभी उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अभी तक मास्टरमाइंड की तलाश अब भी जारी है। मास्टरमाइंड का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। अब ये दूसरा केस सामने आ गया जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है एक तरीके से यूरेनियम, उस चीज़ का पूरी तरह से सेल किया जा रहा था, वो भी इलीगल तरीके से, और कोशिश की आने वाले टाइम पर हो सकता है कुछ इसका गलत तरीके से यूज करके पूरे मुंबई को दहलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो भी हो, लेकिन इन दोनों अपराधियों को अरेस्ट कर लिया गया है। आप देखते हैं इसमें आने वाले टाइम पे क्या खुलासा होता है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।